मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। शिवलिंगी बीज को ब्रायोनिया लैसिनोसा के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंगी पौधे के पीले फूल और गोलाकार बीज होते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल हिंदू देवता शिव के प्रतीक शिवलिंगी की तरह लगते हैं। इस पौधे का नाम भी शिवलिंगी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बीज दिखने में शिवलिंग की तरह होते हैं। भारतीय लोक साहित्य के अनुसार कई प्रजातियों की महिलाएँ गर्भपात से बचने और गर्भधारण के लिए शिवलिंगी बीजों का इस्तेमाल किया करती थी। आधुनिक दवाओं के आने के बाद शिवलिंगी के बीजों की लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन ये अभी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आज भी आयुर्वेद में बांझपन को दूर करने वाले प्रमुख जड़ी बूटियों में शिवलिंगी का नाम आता है। प्राचीन समय से शिवलिंगी का इस्तेमाल कामोत्तेजक और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता रहा है। शिवलिंगी के बीज टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर शरीर में सबसे अधिक उपयोगी हार्मोन में से एक है। पुरुषों के शरीर में प्राकृतिक रूप से इनकी किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास में भी मदद करता है, जैसे कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ में भारीपन और दाढ़ी मूछ बढ़ना आदि। शिवलिंगी के बीज ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में किया जाता रहा है। इस जड़ी बूटी के उपयोग से पुरुषों की यौन समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। इसका उपयोग करने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। शिवलिंगी सीड्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत उपयोगी है। शिवलिंगी बीज महिलाओं की प्रजनन क्षमता और गर्भधारण की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांझपन कम ओवरियन रिजर्व के कारण होता है। कम ओवरियन रिजर्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडे की संख्या या गुणवत्ता के कारण अंडाशय अपनी सामान्य प्रजनन क्षमता खो देती है। यह स्थिति बीमारी या चोट के कारण हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह समस्या उम्र बढ़ने के कारण होती है। शिवलिंगी बीज मासिक चक्र की समस्या को सामान्य करके कम ओवरियन रिजर्व जैसी ओवुलेशन ओवरी से अंडे के बाहर आने की क्रिया की समस्याओं का इलाज करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर मासिक धर्म के दौरान रोगी को भारी रक्त प्रवाह होता है तो शिवलिंगी का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंगी के बीज का उपयोग यौन ऊर्जा को बढ़ाने में भी किया जाता है। शिवलिंगी बीज को इसके नर हार्मोन संबंधी गतिविधि के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा कामोद्दीपक औषधि माना जाता है। इन बीजों के उचित मात्रा में सेवन करने से पुरुष सेक्स अंग जैसे अधिवृषण, वृषण और प्रोस्टेट का वजन बढ़ता है। यह न केवल शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि शुक्राणु कोशिकाओं में फ्रक्टोज को बढ़ाकर शुक्राणु द्रव के पोषण स्तर को भी बढ़ाते हैं। यह प्रजनन क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद बदलाव है जिसके कारण यौन ऊर्जा बढ़ती है। शिवलिंगी के बीज फीवर के इलाज के लिए भी उपयोगी हैं। शिवलिंगी में एंटी प्रैक्ट्रिक, एंटी फीवर और एनोडिन गुण होते हैं। शिवलिंगी बीज का आयुर्वेद में इसके ज्वर हटाने वाले और पीड़ा नाशक प्रभावों के लिए उपयोग किया जाता है। शिवलिंगी के पत्तों की ज्वर नाशक क्रिया पैरासीटामोल के समान होती है। शिवलिंगी के बीज कब्ज के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। शिवलिंगी में ग्लूकोमानन नामक एक प्राकृतिक आहार फाइबर होता है जो पानी में घुलनशील फाइबर है। यह पानी को अवशोषित करके मल त्याग को आसान करता है। इस प्रकार खासकर बच्चों में कब्ज के लिए यह बहुत प्रभावी इलाज के रूप में कार्य करता है। शिवलिंगी बीज का सेवन मोटापा भी कम करता है। जब इसे नियमित रूप से और सही मात्रा में लिया जाता है तो यह बीज बॉडी मास इंडेक्स BMI और शरीर के वजन को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। यह कार्य ग्लूकोमानन के कारण हो सकता है जो स्वस्थ रूप से मल त्यागने में मदद करता है। यदि शिवलिंगी के बीजों का उपयोग उचित मात्रा में और चिकित्सक की सलाह के अनुसार किया जाए तो इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते। इसे अधिक मात्रा में उपयोग न करें क्योंकि अधिक मात्रा में उपयोग करने से परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। शिवलिंगी के बीजों का उपयोग सावधानी से ही करें। अधिक प्रभावी परिणाम पाने के लिए आयुर्वेद में शिवलिंगी बीजों को पुत्र बीजक बीज के पाउडर के साथ
लेने का सुझाव दिया जाता है, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए फायदेमंद है और महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करती हैं। इसके लिए आप पुत्र बीजक और शिवलिंगी के बीज को मिला लें और उनका अच्छी तरह से पाउडर बना लें। अब आप एक चम्मच पाउडर को ऐसे ही गाय के दूध के साथ मिला लें जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो। आप इसे नाश्ते से एक घंटे पहले और फिर रात के भोजन से एक घंटे पहले लें। किसी भी पारंपरिक दवा का सेवन सावधानी से करनी चाहिए, इसलिए इसके सेवन से पहले चिकित्सक से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। शिवलिंगी बीज फॉर मेल चाइल्ड्स की धारणा सही नहीं है। जैविक रूप से एक महिला में केवल एक्स क्रोमोजोम्स होता है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स होते हैं। बेटा तब पैदा हो सकता है जब पिता का वाई क्रोमोजोम संभोग के दौरान माता के एक्स क्रोमोजोम्स के साथ जुड़ता है। इसमें शिवलिंगी बीज कोई भूमिका नहीं निभा सकते, वह तो केवल गर्भधारण की संभावना को बढ़ाते हैं। धन्यवाद।